सभी लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार थी दोस्तों कि हम लोग कब इस प्यारा से घर में शिफ्ट होंगे, तो वो घर ही अब आ गई है। फावड़ा है कुदाल ना, हाँ मिट्टी को देंगे जितना खटखट के। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मट्टी खान में और विजय भाई दोस्तों यहीं से जो फैमिली आप लोग हमारे तरफ से हमारे फैमिली की तरफ से दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण नमस्कार प्रणाम स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों सुबह का समय हो गया, हम लोग नहा होकर फ्रेश हो गए, नदी गए थे और दोनों का गए थे नहाने दोस्तों। यहाँ दोस्तों नदी में नहाने का साधन है नहीं तो कुआं पे, तो हम लोग चले गए थे नदी पे नहाने के लिए। अभी दोस्तों मस्त हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नाश्ता लाने के लिए। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर दोस्तों नाश्ता करने के लिए मतलब जाना पड़ता है लाने के लिए, तो वही दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग निकलते हैं। झोला झोला ले लीजिए, जा रहे हैं हम नाश्ता लाने के लिए। बहुत ज्यादा खुश रहता है दोस्तों यहाँ, हैप्पी। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो। हाँ दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम लोग नाश्ता लेने के लिए मिठाई का दुकान में, मिठाई का दुकान। और यहाँ पे ये गांव का लोकल बाजार है ना, यहाँ पर मतलब उतना हाई फाई। इधर पकौड़ी इधर बने हुए हैं, समोसा है इधर, पकौड़ी इधर तला रहे हैं दोस्तों। ये मतलब चाचा जलेबी का ज्यादा नहीं, 10 पीस चाहिए। हाँ ठीक है, 10 पीस निकाल दीजिएगा। हाँ चाचा निकाल दे रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, तो चलिए ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी गर्मा गर्म जलेबी बनाने के लिए तैयार हो गए। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि चलिए जलेबी हम लोग ले लेते हैं। हाँ और समोसा भी निकालना पड़ेगा ना, कि लिट्टी निकलेगा अभी, लिट्टी या समोसा निकलेगा? निकाल दीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी गर्मा गर्म जो कि समोसा है जो कि छना रहे हैं और बना दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग आए बोले अंकल जी को कि जल्दी जल्दी बना दीजिए क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो अभी समोसा जो कि छना गए हैं और यहाँ पे दोस्तों लकड़ी से जो कि छान रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी का आँच दे करके जलावन। और हमारे यहाँ तो दोस्तों गैस का व्यवस्था रहता है या तो कोयले पे, लेकिन ये दोस्तों इधर तो कोयला का खदान है बट कोयले पर नहीं बनता है, लकड़ी से ही बनते हैं, मतलब सुविधा ज़्यादा पड़ जाते हैं इसीलिए। और ये बच्चा जो कि पहचान रहे हैं विजय भाई को, वाह विजय भाई से मिलने के लिए, मिले कि हम वीडियो में भाग रहा, वीडियो में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से जो कि समोसा रेडी हम लोग का हो चुका, झोला में डाल लिए हैं, झोला में डाल लिए हैं और जलेबी भी दोस्तों। तभी दोस्तों हम लोग निकलेंगे घर, जाकर दोस्तों वहाँ पे अच्छे तरीके से नाश्ता करेंगे, अभी दोस्तों टाइम भी ज्यादा हो गया है। जी फैमिली अभी हम लोग नाश्ता लेकर चले आए हैं और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी रिया जी गुड़िया जी जो कि दोनों मिल करके नाश्ता लगा रहे हैं। इतना दोस्तों नाश्ता करके क्या दिन में खाना भी नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा नहीं, बस समोसा और जलेबी ही तो है, ज्यादा क्या है। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है सुबह का नाश्ता, इसे नाश्ता कर लेंगे उसके बाद दोस्तों खाने बनाए जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे घर में, थोड़ा सा कुछ काम बाकी है वो करना है दोस्तों। हाँ, और फिर चलेंगे हम लोग मार्केटिंग के लिए, विजय भाई का दोस्तों घर में ना थोड़ा काम बाकी है तो वो दोस्तों पूरी तरह से कर लेंगे कंप्लीट नाश्ता कर लेने के बाद, क्योंकि दोस्तों गृह प्रवेश होने वाला है, होने वाला है आस पास ही, ये समझ सकते हैं आप लोग, तो कभी भी हो सकते हैं आप लोग, तो मिल ही जाएंगे देखते। चलिए अभी फटाफट से नाश्ता जो कि लग गया, नाश्ता ओके हो गया ना। जी फैमिली आप लोग हमारे तरफ से हमारे फैमिली की तरफ से खा लीजिए आप लोग, सबसे पहले जलेबी और समोसा दोस्तों, देखिए किस तरह का है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ना मिलजुल कर खाते हैं, क्या खा करके टेस्ट बताइएगा। चीकू खा लो यहाँ का समोसा और हाँ बताइए, खा कर बताइए कैसा है। और चांदनी बेटी वहाँ पे खा रही है अभी, कैसा है चांदनी? अच्छा है। चीकू बैठो तो तुम खा कर बताना, तो क्या हुआ जी? चलो बैठा तो कैसा समोसा? अच्छा है ना, कैसा चांदनी बेटी? अच्छा है ना, अच्छा। आप खाए? जलेबी। अंकित कैसा है जी? जलेबी खाकर बताइए, जलेबी अलग तरह का है थोड़ा, ठीक है? मीठा है। तुम नहीं खाए चीकू? दोस्तों हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए, अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं विजय भाई के सपनों का घर पर, देख सकते हो वहाँ पे है वो, देखिए दोस्तों सब लोग देख पा रहे हैं और पीछे में दोस्तों देख लीजिए नजारा कैसा है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो दोस्तों और भी मस्त लग रहे हैं। हाँ। और रिया जी है जो की पारा तूर परात बोलते हैं, परात बाल्टी है सर, गमला बोलते हैं ना, तो कठौती। हाँ हम लोग तरफ कठौती गमला ऐसे बोलते हैं, परात बोलते हैं। चलिए दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं विजय भाई के सपनों की घर पर। ओहो यहाँ आने के बाद दोस्तों मजा ही कुछ और आते हैं, यहाँ का नज़ारा और क्या ही बोलूँ, बहुत ही मस्त है ये। अभी दोस्तों यहाँ पे जो कि थोड़ा सा काम होंगे अभी, है ना, थोड़ा काम बाकी है ना, थोड़ा काम बाकी है, चलिए आप सभी लोगों को खोल के दिखाते हैं। हाँ क्योंकि दोस्तों गृह प्रवेश बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो चलिए सारा कुछ तो हो ही गया ना, कंप्लीट सारा कुछ हो गया। हाँ, बस हो गया, बस जैसे आप लोग देख पा रहे दोस्तों जगह पर थोड़ा सा सफेद मिट्टी लगाना है, सफेद वहाँ पे मिट्टी लगाना, ढलाई है फिर भी मिट्टी, हाँ, मिट्टी फिर भी मिट्टी ही लगेगा, देखिए उधर मिट्टी लगा हुआ ना। अच्छा और फिर इधर थोड़ा सा पीढ़ा को रिपेयर करना है, हाँ, वाला को,
और अंदर में आप सभी लोग दिखाते हैं खोल के। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं घर इस तरह का है और यहाँ पे किचन बन रहा है। और इधर दोस्तों जो कि है एक तरह से बोल सकते हैं आंगन भी साफ सफाई करना है। तुलसी जी का यहाँ पे पेड़ पौधा लगाएंगे ना आंगन में, मंदिर बनाएंगे जिसे तुलसी पेड़ा कहते हैं, उस टाइप का मंदिर बनाएंगे। ओ और यहाँ का मिट्टी बहुत चिकना है, चिकना है तो एकदम घर लगता है, जैसे कि लग रहा है कि मतलब पुट्टी करा हुआ जैसे लगता है। हाँ। यही मिट्टी हम लोग की तरफ दिखता है, ऐसे लगता है जैसे कि पुट्टी कराया हुआ है। हाँ। अजन मिट्टी है, सफेद मिट्टी है। हाँ। यहाँ पे विजय भाई को लेस पोत करना है और वहाँ पे क्योंकि घर को मतलब दोस्तों गृह प्रवेश हो रहे हैं तो घर को मतलब साफ सुथरा पूरी तरह से फिनिशिंग कर देंगे, उसके बाद ही गृह प्रवेश होता है। हाँ, गृह प्रवेश तो थोड़ा सा दोस्तों फिनिशिंग में बचा हुआ है तो दोस्तों वो मतलब पूरा फिर भी तैयार नहीं हो पाएगा, बरसात का दिन है ना, फिर भी मतलब अभी जितना होना है उतना भी कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों गृह प्रवेश हो जाएंगे। तो चलिए अभी मिट्टी के लिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों कहाँ से मिट्टी लाते हैं आप सभी को दिखाते हैं। ये दोस्तों ये फावड़ा है, कुदाली ना। हाँ, मिट्टी को देखिए जितना खटखट के मतलब बनाया है। हाँ, और भी कुदाली है, ये है, गैता है, बहुत सारे सामान अभी। हाँ, इसमें हो जाएगा ना। हाँ, चलिए दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं गुड़िया जी लिए, हम लोग बोलते हैं परात, हम लोग बोलते हैं परात, ये लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गमला या कठौत बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब उसका हिंदी में गमला ही नाम है, गमला है ना। हाँ, तो हम लोग गमला बोलते हैं या कठौती बोलते हैं, आप लोग भाषा में गमला परात बोलते हैं, परात। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मिट्टी के पास जहाँ से विजय भाई खुदाई करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मट्टी खान में और विजय भाई दोस्तों यहीं से ज्यादातर मिट्टी है जो कि ले जाते गए। हाँ, यही से बहुत मिट्टी लेके गए, बहुत मिट्टी ना, देख रहे कितना गड्ढा कर दिए हैं ले जाकर। ये बस खाली विजय भाई किए हैं और कोई आदमी नहीं, 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 नहीं। यहीं से दोस्तों विजय भाई जो कि मिट्टी ले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ का मिट्टी ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा दोस्तों मुलायम है और लाल है, इसीलिए दोस्तों घर ना बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। हाँ, मतलब चिकना हुआ है, मतलब लेसे तो उसका चिकन हो गया पूरा मिट्टी के चल। ऐसे दोस्तों लगता है ना कि प्लास्टर के सीमेंट वाला पुट्टी किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ का ना बहुत ज्यादा बालू और बहुत ज्यादा अजीब टाइप का मिट्टी है। हाँ। जिससे तो फट जाते हैं। हाँ। चलिए हमें ले जाना रहता तो हम यहीं से ले जाते हैं। चलिए बहुत दूर से लदवा देते हैं, चलिए लेके चलते हैं। हाँ। चलिए दोस्तों फटाफट से मतलब भार लिए और चले लेकर के चलते हैं। दीजिए हमें को दीजिए, उठा ले जाता हूँ। अभी चल रहे हैं मिट्टी को लेकर के रिया जी, हम बोले कि मेरे को दे दीजिए, हम सिर पे लेके चलेंगे विजय भाई को। रिया जी बोलते तो, कि नहीं मैं बस मिट्टी मैं ही ले जाऊंगी। ये गलत है ना जी, गलत है, बहुत काम कौन करवाता है बताइए, मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे क्या दोस्त भाई सब नहीं लेना। फिर भी जी ये लोग मिट्टी लेकर चले आए हैं और साथ में हम लोग भी आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए मिट्टी को ऐसे मतलब गड्ढा करा जाता है, पानी इसमें डालेंगे। हाँ, पानी के लिए साथ साथ में छीट देंगे तो अच्छे से। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर निपाई पुताई सब करेंगे। हाँ, पहले साफ सफाई कर लेंगे रूम को। हाँ, तो देखिए इस रूम में हो गया है निपाई पुताई बस, यहाँ पे बाकी है। आप लोग बैठिए, ऐसे मेहमानों से तो काम नहीं कराया जाता है। ऐसे मतलब अपने अपने घरों में सभी भी काम करते हैं दोस्तों, जैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेहमान के घर में सही होता है काम करना। आप लोग बैठिए, लोग कर लेते हैं पानी मिला करके। हाँ, तो आप लोग करिए थोड़ा सा। और वहाँ पे देख लीजिए आप लोग अंकित है जो कि विजय जी वाला साइकिल चला रहे हैं, देख लीजिए मैदान है वहाँ नहीं थी। हाँ, और वहाँ पे देखिए पहाड़, और हम पहाड़ घर पे देखने के लिए तरसते थे कि कब जाएंगे वहाँ तो कब देखेंगे, तो फाइनली हम पहाड़ को देख भी लिए और देख रहे हैं। और इधर चीकू दोस्तों यहाँ पे विजय वाला जो मिट्टी को यहाँ पे सान रहे हैं, पैर से गिन रहे हैं। हाँ, गांधना भी हम लोग बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ का मिट्टी क्या ही बोले दोस्तों, लाजवाब है, बहुत ज्यादा प्लेन है, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो नहीं है, रुगड़ी जिसको कहते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो दीवार बना हुआ है वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का सारा चीज मिट्टी का है, बहुत ज्यादा चिकना है, कितना ज्यादा चिकना और सॉफ्ट है। और इसी से दोस्तों जो कि अभी घर की इसकी क्या मतलब थोड़ा थोड़ा पिलाइएगा, यहाँ नीचे में प्लेन करेंगे। थोड़ा प्लेन कीजिए, निपाय पोताई करना। हाँ, और दोस्तों जो मतलब निपाय पोताई इधर निपाय पोताई किया हुआ है ना, दोस्तों इधर निपाय पुताई कर दिए गए हैं, तो देखिए किस तरह का दम है, मतलब लग रहा है कि प्लास्टर किया हुआ है जैसे होता है ना, मिट्टी का है। जैसे कोई भी लोग देखने के लिए आएंगे ना तो लगेगा उनको ना कि प्लास्टर है। हाँ। प्लास्टर किया हुआ सीमेंट जो बालू होता है ना उस तरह का मिट्टी है ना, मिट्टी में। तो आप सभी को एक और बात बता दूं कि ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, ये कोई कलर नहीं है, नहीं ये सफेद मिट्टी है, सफेद मिट्टी है दोस्तों। तो आप लोग तरफ दोस्तों मिलते हैं या नहीं आप कमेंट करके बताएं, हमारे तरफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मतलब ये मिट्टी मिट्टी है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है। जैसे कि खान लो आपको दिखाया था ना, जब लोग गए थे पहाड़ वाला, हाँ मतलब वो नाश्ता के लिए वही खान हुआ है,
आपको पूरे विश्वास होता है ये मिट्टी का है? ये जो दोस्तों व्हाइट व्हाइट कलर देख रहे ना, ये मिट्टी होता है, सफेद मिट्टी के देखिए। तो ये पूरा चूना मिट्टी वही हम लोग खरीद के लाते हैं ना, वही किलो पर हम लोग खरीदते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब नहीं बिकते क्योंकि यहाँ है, लेकिन हम अपना जो घर का पुताई किए थे ना, पंद्रह हाँ 20 रुपये से प्लस, हाँ 15-20 रुपये 20 रुपये से दोस्तों प्लस मिलते हैं। तो यही मिट्टी है जिससे दोस्तों इसकी पुताई की गई है, और देखिए कैसा है ये पहाड़ में से दोस्तों सफेद मिट्टी है, और ये दोस्तों पहाड़ में से शायद निकलता है, पहाड़ के किनारे में निकलता है। दोस्तों साफ सफाई कर रही है खिड़की को, हाँ दोस्तों अभी देख सकते हैं ज्यादा काम अभी दोस्तों बाकी नहीं है, और इसके बाद दोस्तों जो की होगी कमाल धमाल, जिसलिए दोस्तों हम लोग आए हुए हैं। जी जी, आप सभी को पता है दोस्तों, और आप सभी लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार थी दोस्तों कि हम लोग कब इस प्यारा सा घर में शिफ्ट होंगे, तो वो घर अब आ गई है। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब जितना हो सके हम लोगों से करेंगे अच्छे से, है ना जी। इसीलिए दोस्तों हम लोग आए हुए गृह प्रवेश के लिए, और फाइनली दोस्तों गृह प्रवेश अब होने ही वाले हैं। इधर घर जो मोटा मोटी थोड़ा कंप्लीट है, थोड़ा बाकी है, वो कभी भी कर थोड़ा करना दरवाजा खिड़की को, और कहीं कहीं थोड़ा बाकी उसको करना है, बाकी क्यों और बाकी के काम भी बाद में होंगे। हाँ तो दोस्तों बहुत ही जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, अभी शॉपिंग वोपिंग थोड़ा करना है, जाना है अभी, जाना है शॉपिंग वोपिंग करना है, अभी बहुत सारी चीज तैयारियां करनी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे दोस्तों तैयारियां भी करनी है, मतलब तो काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आप सभी को ना देखने के लिए मिलेगा गृह प्रवेश वाली वीडियो, और इस घर को दोस्तों विजय भाई जो की सुंदर सजा देंगे, पूरी सजाएंगे अच्छे तरीके से मिलजुल करके सजा देंगे, हमारे बहुत अच्छे साथ मिल करके इसको अच्छे सजाएंगे। हाँ चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, आप लोगों को पता चल गया दोस्तों कि गृह प्रवेश बहुत ही जल्दी होने वाले है, बहुत ही जल्दी कभी भी मतलब वीडियो आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। हम लोगों से दोस्तों कोई भी गलती मिस्टेक हो जाती है तो कृपया छोटा भाई समझकर हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।